हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। आज हम बनाएंगे कड़ा प्रसाद। दोस्तों, बंगला साहिब में बार बार लाइन लगा के मैंने गुरुद्वारे में ये कड़ा प्रसाद खाया है। बड़ा ही अच्छा लगता है ये आटे का हलवा जो गरम गरम हाथ पे मिलता है। तो चलिए आज इसको घर पे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन को मीडियम हीट पे गरम कर लिया है, जिसमें मैं आधा कप घी डाल रही हूँ। दोस्तों, घी को मेल्ट होने के बाद इसमें मैंने जितना घी डाला था उतना ही गेहूं का आटा डालूंगी, यानी कि आधा कप गेहूं का आटा डालेंगे। दोस्तों, इसका रेशियो 1:1:1 का ही रहता है और पानी इसमें गेहूं के आटे का डबल जाता है। मतलब आधा कप घी डाला है मैंने, आधा कप गेहूं का आटा पड़ेगा, आधा कप चीनी पड़ेगा और 1 कप पानी पड़ेगा। दोस्तों, इसको लगातार चलाते हुए बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, आटे को मैं लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। आटे को भूनने में मीडियम हीट पे भून रही हूँ मैं, लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे भूनने में। उतने में ही हमारा हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा, आटा बिल्कुल भून के तैयार हो जाएगा 7 से 8 मिनट में। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका कलर कैसे तेज़ी से बदल रहा है। दोस्तों, एक बार जब आटा भून जाता है तो ये ब्राउन से बिल्कुल डार्क ब्राउन फटाफट हो जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार बढ़िया भून गया है ये आटा इस समय। ये देखिए दोस्तों, एकदम सही टाइम है। शुरू में आटा बिल्कुल लिक्विड ही था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया दरदरा और ब्राउन कलर का हो गया है। यहाँ पर अब मैं इसमें आधा कप जितना चीनी ऐड करूँगी और इसको लगभग 5 से 10 सेकंड के लिए मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिक्स करना है इसको, ये देखिए। और अब इसमें मैं 1 कप रूम टेम्परेचर पर पानी ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। इसको ऐड किया है और अब हम इसको लगातार मिक्स करेंगे। रूम टेम्परेचर का जो पानी है, इससे हमारे आटे में गांठें नहीं पड़ती हैं, इसलिए रूम टेम्परेचर पे अगर आप पानी डाल रहे हैं तो वो काफ़ी इजी हो जाता है बनाना। अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो एक तो उससे छींटे भी बहुत आते हैं और दूसरा गांठें बनने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया है कोई भी सीन यहाँ पर, ताकि आप देख पाएँ कि पूरा पानी आटे ने कैसे पी लिया है फटाफट से। मीडियम हीट पर ही मैं इसको लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। हलवा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, आटे ने पूरा पानी पी लिया है और लगभग 6 से 7 मिनट में ही पूरा हलवा पक के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आटा बिल्कुल पक गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है हलवा और हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए, तो लगभग 7 से 8 मिनट तक मैंने और भूना था इसको और बिल्कुल घी अलग हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए। और इस समय अब हम गैस को कर देंगे बंद और हलवे को कर लेंगे सर्व। तो दोस्तों, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बड़ी ही सिंपल होती है, बड़ी ही फटाफट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप बनाएं और मुझे बताएं ये आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।